खबर आपको दें, आशियाना इकबाल स्कैंडल केस के मुलजिम फवाद हसन फवाद एहतसाब अदालत में पेश हुए। अदालत ने फवाद हसन फवाद का 28 और 29 अगस्त का राहदारी रिमांड दे दिया। तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद सकलैन जावेद से। मोहम्मद सकलैन, आगाह कीजिएगा। इकबाल स्कैंडल के मुलजम फवाद हसन फवाद को आज एहतसाब अदालत के रूबरू पेश किया गया। एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन ने केस पर समाअत की। अदालत से इस्तदा की गई थी कि फवाद हसन फवाद को इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में पेश करना है, लिहाजा उनका दो रोजा राहदारी रिमांड दिया जाए, जिस पर अदालत ने उनके मौकफ जानने के बाद उनका दो रोजा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया है। फवाद हसन फवाद की तरफ से बताया कि वो कुछ अर्सा पहले एक केस की समाअत के मौके पर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, तो ह्यूमन राइट्स के हवाले से एक केस पर अदालत ने उनकी माहराना राय जानी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि इस हवाले से हमें मुफस्सल रिपोर्ट तैयार करके दी जाए, जिसका मैंने वादा किया था। आज फिर इसी केस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत है, जिसकी वजह से मुझे दोबारा समन किया गया है, लिहाजा वहां पे भिजवाने की इजाजत दी जाए, जिस पर अदालत ने उन्हें 28 और 29 के लिए दो रजा राहदारी रिमांड पर भिजवा दिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका सकलैन जावेद।